अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, अभी स्कूल के लिए ये लोग अभी जाने वाले हैं। आज मैंने इनको जो है ना लंच बना के नहीं दिया, आज मैंने कहा गुजारा करो, और क्योंकि इनके स्कूल में अलाउड नहीं है जंक फूड, मगर आज मैंने कहा बेटा मैनेज कर लेना, टीचर को भी समझा देना। तो अभी मैं इनके लिए बना रही हूँ चाय। ये लोग जा रहे हैं स्कूल, और 2 दिन के छुट्टियों के बाद, एंजॉयमेंट के बाद, और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, मुसब आप ये उठाओ बेटा, जल्दी से, शाबाश, कम ऑन। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और रात के 12 बजे मैं सोई हूँ, क्योंकि वीडियो डाउनलोड ही नहीं हो रही थी, नेट का उतना प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। काफ़ी लेट हम लोग सोए, फिर सुबह फिर वही 5:30 बजे उठना पड़ता है, और ड्यूटी के बाद बच्चों को स्कूल भेजेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है जी, और जो भी रूटीन होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। चलो चलो जल्दी से नाश्ता करो, चलो शाबाश। इच्छा भैया आज बहुत सुस्त काहिल लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा काहिल। अच्छा आप ही, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? इमा पी आप? इच्छा भैया के बाद आ गया गबलू भैया। गबलू भैया आप कैसे हो? ठीक हो? चलो नाश्ता करते हैं, ठीक है? हंसो ना, हंसो, क्यों नहीं हंस रहे? हाँ अब क्यों नहीं हंस रहे बताओ? आपको एक चीज बताऊं? नहीं। ये रात को क्या करती है? क्या करती है? सब लोग के ऊपर ना टांगे रख कर सोती है। शायद आपको पता नहीं है। चलो कोई मसला नहीं है। आज ये लोग सुबह सुबह जो है ना पागल हो गए, ये लोग हंस रहे हैं। लोग इतने सुस्त काहिल होते हैं, ये लोग इतना हंस रहे हैं। अभी इनकी शक्लें देखें जरा। जल्दी जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, चलो शाबाश मेरा बेटा, जल्दी। इच्छा भैया आप भी, चलो शाबाश। चलो होए होए, बाहर इतना मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा है, और उसके अलावा ताज़ा ताज़ा जैसे ना फील होता है बंदे को, बहुत प्यारा लग रहा है सुबह के टाइम। माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम होता है। ये देखें सुबह का टाइम कितना खूबसूरत सा लग रहा है, और ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा है, और ये देखें कितना प्यारा मौसम भी हो रहा है, बहुत जबरदस्त है। अल्लाह हाफिज। जी तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जो है ना, मैं सो गई थी, सोने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट पहले उठी हूँ। उठने के बाद अभी मैं फटाफट जो है ना अपने हस्बैंड का लंच रेडी कर रही हूँ, मलिक साहब का, और उनको ऑफिस जाना है। तो उन्होंने बोला पहले मेरा लंच बना दो, बाद में नाश्ता वाश्ता जो भी होगा बाद में करेंगे। तो मैं अभी उनके लिए लंच बना रही हूँ, और लंच में क्या बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। लंच में बना रही हूँ करेले और करेले की सब्ज़ी, और मैंने प्याज टमाटर अभी काट के रख दिए हैं। नाश्ता हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और ये देख लें ये फ़िश का ऑयल जो बच गया था रात में। और फ़िश बनाने से बहुत कचरा होता है, बहुत ज़्यादा, पूरा चूल्हा ख़राब हो गया था मेरा रात में। इसको नीट एंड क्लीन करके सोई, क्योंकि मुझसे जो है ना गंदा जब किचन होता है ना, यानी फैला हुआ, खासकर कोई मसला नहीं होता, मगर चूल्हा साफ़ होना चाहिए, उससे मुझसे नाश्ता भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं होता मुझसे। तो ये मेरी बड़ी गंदी सी आदत है ये, और मैं रात को नीट एंड क्लीन करके पूरा फिर सोई थी, और सुकून से जो है ना फिर नींद भी आ जाती है। अभी बना रही हूँ करेले, और इसके साथ साथ जो है ना अभी करेले रेडी करने के बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता अपना। जी
जी तो व्हाट डू दिस से, यानी कि वो क्या कहते हैं, ये एक्चुअली क्या कहते हैं, वही बात है कि मेरी आदत हो गई है बोल बोल के बच्चों के साथ, और आप लोगों ने इसका ट्रेंड बना दिया ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरी बातों को इतना नोट करता है और क्या कहते हैं इसी तरह मोहब्बत करते रहें, नोट करते रहें, मज़ा आता है। और क्या कहते हैं, ये प्यार करने का एक तरीका है, सही है ना, और मुझे अच्छा लगता है आप लोग इस तरह सोचते हैं। और बेटी मेरी शक्ल की है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि उसके नकूश मुझसे काफ़ी मिलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं। थैंक यू सो मच। करेले किस किस को पसंद है, मछली तो सबको मुझे लगा, मैसेज मैंने आज सुबह पढ़े और अभी तक रिप्लाई नहीं कर सकी हूँ क्योंकि क्या कहते हैं बच्चों का स्कूल वगैरह होता है ना, बच्चे चले जाते हैं तो फिर उसके बाद रिलैक्स अपने घर के काम वाम हस्बैंड को भेजना होता है मुझे। हस्बैंड को भेजने के बाद थोड़े बहुत जो काम होते हैं जल्दी जल्दी वो करती हूँ, जब फ्री टाइम होता है मेरे पास तब मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, और फिर रिलैक्स होकर सबको जो है ना कमेंट जो है उनके पढ़ के मैं उनको अच्छे से आंसर दे रही होती हूँ। तो नाराज़ मत होइएगा अगर देर हो जाती है, तो ये क्या कहते हैं बिजी लाइफ के साथ आप तो खुद जो आप लोग हैं, जैसे कि कोई हाउसवाइफ होगा, कोई जॉब करती होंगी, तो हर किसी का अपना अपना जो है ना एक वर्क चल रहा होता है, तो माजरत अगर लेट हो जाता है तो। देख लें हमारे ये यम्मी से जो है ना करेले रेडी हो चुके हैं, अब मैंने साथ ही साथ जो है चाय चढ़ा दी अपने हस्बैंड की और मेरी, और हम लोग करेंगे नाश्ता। अब जब तक नाश्ता करेंगे ये करेले वगैरह मैं पैक कर लूँगी ताकि वो ऑफिस चले जाएंगे, और उनके जाने के बाद हम करेंगे काम काम काम, दिन रात करें हम काम। हर ख़वातीन जो है ना यही गिला है, काम कर करके हड्डियाँ जिसे बोलती है ना अंदर से आवाज़ें दे रही होती हैं कि अब बस करो बस करो बस करो, मगर नहीं, बस जितनी हिम्मत है ना हम लोग उतनी हिम्मत कुव्वत से सारे काम कर रहे होते हैं। और क्या कहते हैं जितने भी मर्द हैं ना उनको सोचना चाहिए वैसे कि हम ख्वातीन ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं, वैसे पता है सबसे मुश्किल ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ बच्चों की है, बस मैं तो यही समझती हूँ, बच्चों को प्रॉपर जो है ना उनको देखना सबसे बड़ी ड्यूटी होती है, और वो माँ का जो है ना किरदार जो होता है वो अल्लाह पाक ने जो जन्नत रखी है ना इसीलिए रखी है कि हम लोग जो हैं डे नाइट अपने बच्चों को प्रॉपर जो है ना टाइम दे रहे होते हैं, तो वो अल्लाह ताला ने अजर भी देना है। लंच हमारा हो गया रेडी और उसी के साथ साथ जो है चाय भी रेडी हो गई है, बस मेरे हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आते हैं तो बस हम लोग जो है वो क्योंकि गाड़ी वाड़ी को जो है ना जब तक वो नीड एंड क्लीन करते रहते हैं तो जब तक चाय भी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी अब जो है ना मेरे हस्बैंड बाहर से आए, अभी ये देखें गर्मा गर्म पराठे लेकर आ गए, और होटल के पराठे ना मुझे इतने पसंद है कि मैं आपको क्या बयान करूं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और हस्बैंड को जो है मेरे हाथ के पसंद है। तो अभी हम खाने वाले पराठे, किस किस को पराठे पसंद है वैसे होटल के? होटल के पराठे ना एज़ यूजुअल वैसे देखा जाए 99% लोगों को बड़ा पसंद है ना, मुझे तो पूरी पराठा भी अच्छा लगता है, नॉर्मल पराठा भी अच्छा लगता है, हलवा पूरी भी मेरी सेहत से लग रहा होगा आप लोगों को, मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ, और जब वेट बढ़ने लगता है तो फिर टेंशन फिक्का हुए पीते रहो पीते रहो पीते रहो, फिर उसके बाद फिर वही खाना पीना शुरू। मेरी नानी ने ना मरने से पहले एक चीज़ सिखाई थी कि बेटा खा पी के मरना है, तो मरना तो वैसे भी है तो बंदा खा पी के ही मरे ना, तरस तरस के क्यों मरे, तो मैं कोशिश बस बीमारियां नहीं लगनी चाहिए, बीमारियों से डर लगता है, अल्लाह पाक ऐसी बीमारियों से बस अल्लाह पाक बचाए, बाकी खा पी के मरना चाहिए, दिल को तरसाना नहीं चाहिए। मेरी नानी का तो ये कॉल बन गया था भाई खा पी के मरना चाहिए, तो मैं तो वही कॉल पे जो है ना बस उसी ट्रैक पे चल रही हूँ अभी तक, और मेरे हस्बैंड बोलते हैं थोड़ा सा परहेज कर लिया करो थोड़ा सा परहेज कर लिया, नहीं कुछ नहीं होता परहेज भाई, मैंने कहा मरना है ना खा पी के मरेंगे, तो अभी तो मैं पराठा जो मैंने बाहर से मंगाया अभी मैं वो खाऊंगी, नाश्ता वाश्ता करेंगे और बताते हैं और क्या है। जी तो हमारा नाश्ता जो है ना अब यहाँ पर लग चुका है, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो बस नहाने गए हैं, और जिस जिस को ये नाश्ता पसंद है तो आके मेरे साथ कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम,
और उसके अलावा क्या कहते हैं, आप लोगों से इजाज़त लूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों की मोहब्बत पे लॉस है। और मैंने कल भी आप लोगों को यही बोला था कि बेलॉस मोहब्बत जो है ना, उनके अल्फाज नहीं होते, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है। और जब तक मैं यूट्यूब का जो है वर्क कर रही हूँ, जब भी आप लोगों को याद करूँगी, अगर अल्लाह ताला ने जो है यहाँ से मेरे दिन कम रखे ज़िंदगी के, तब भी जो है ना, अगर मैं ना रही तब भी जो है ना, आप लोगों की मोहब्बत याद रहेगी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं सीरियसली, कि मोहब्बत जो है ना, एक सिर्फ माँ बाप के अलावा कोई नहीं दे सकता किसी को, ठीक है जी। और मैंने ज़िंदगी में ना सिर्फ अपने माँ बाप के अलावा किसी रिश्ते में इतनी ख़ास मोहब्बत अपने हस्बैंड के अलावा किसी से नहीं देखी, ना मैंने महसूस की कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है। तो आप लोग इतना अच्छे हैं, आप लोग इतना प्यार करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मैं आपको बताऊं, अपनी फीलिंग्स बताऊं, क्योंकि अगर मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा। और बताना भी चाहिए, ताकि एक बंदे की रिस्पेक्ट होती है। मेरे हस्बैंड का बार बार फ़ोन आ रहा है, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड ना ऑफिस जाने के लिए जब जाने लगते हैं ना, तो उनकी कॉल्स बहुत आती हैं, बहुत, पूरा दिन, पूरी रात, हर चीज़ में ना उनकी कॉल्स बहुत आती हैं। तो बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, और लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, ज़ोर से, गुस्से से करें या प्यार से, मगर कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।